जी अस्सलाम वालेकुम, फूडपीडिया यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदेद। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक स्पेशल एपिसोड बर्गर पवेलियन फेज 6 लाहौर से, जहाँ पे आज हम इनका फूड रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे इनकी स्पेशल डिशेस के बारे में, ऑथेंटिक रिव्यू जो कि इससे पहले आपको किसी भी और यूट्यूब चैनल पे नहीं मिला होगा। अभी हम अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं बर्गर पवेलियन के ऊपर। इनका जो मेन्यू है मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है कि बहुत ही सिंपल इन्होंने रखा हुआ है। दे हैव टू टाइप ऑफ बीफ बर्गर्स और 4 वैरायटीज इन चिकन बर्गर। तो चिकन बर्गर के अंदर ये जो आपके तीनों बर्गर हैं नैशविल और पेस्टो और आरोगोला, ये आपके ग्रिल नहीं होते हैं और क्रिस्पी, वो इज लाइक जैसे बीफ पैटी होती है स्मैशिंग, उसी तरह नहीं होगा। ये दो बीफ पे आप हमें कर दे, और अमेरिकन क्लासिक के अंदर आपने मुझे एड ऑन करना है कैरमलाइज अनियन, इस पर टॉप कर दीजिएगा अमेरिकन क्लासिक में। ओके, और अपना हमें चिकन के अंदर आप नैशविल पेस्टो और आरोगोना ये चेक करवाएं, और शेक में आप हमें अपना वरीना शेक करते हैं, साइड के अंदर हमें आप अपनी चिकन टेंडर जो है स्ट्रिप्स ये ट्राई करवा दें, और इसके अंदर एक तो आपने बताया था कि हनी मस्टर्ड आएगी सॉसेस के साथ, एक मुझे एक्स्ट्रा साथ ये तो पवेलियन स्पेशल कर दीजिएगा। ठीक है जी, आई थिंक आई हैव डन मेजर ऑफ योर हॉल डिजर्ट। ब्राउनी भी आपके पास मैं देख रहा हूँ, ब्राउनी शेक में है। बेसिकली मैं चेक करना चाह रहा हूँ आपके शेक की बेस को, तो जब उसपे फ्लेवर ऐड हो जाएगा तो फिर मैं उसको जितना ज़्यादा बेहतर शायद इंजेक्टी कर पाऊँगा। 10 to 20 minutes हम वेट करते हैं जी 20 मिनट का, और हम जाता हूँ हमारा मीरे क्या आ रहा है। जी तो हमारा फूड जो है वो आ गया, और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे एग्जीक्यूटिव शेफ जो है बर्गर पवेलियन के, उन्होंने भी हमें साथ ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच शेफ सर। सबसे पहले जो है हम इन ट्रायल्स इनका करते हैं टेस्ट एवैल्यूएशन। अमेरिकन क्लासिक, अमेरिकन क्लासिक जो है ये सिंगल बीफ पैटी बर्गर है, और इसके अंदर इन्होंने चिकन चीज स्लाइस है, पवेलियन सॉस है, और साथ कॉर्न मीन पान के अंदर इन्होंने इसको असेंबल किया है। और ये देखें बर्गर माशाल्लाह बहुत जबरदस्त असेंबल किया है इन्होंने, चीज की टॉपिंग, पवेलियन स्पेशल सॉस की टॉपिंग ये आपको नजर आ रही होगी, और बन बहुत फ्रेश लग रहा है मुझे, और बीफ पैटी भी जो है मुझे वो बड़ी जूसी जो है वो लग रही है। परफेक्टली जो है उसको कुक किया गया है, ओवर डन नहीं है, ओवर कुकिंग किया गया। तो लेट्स टेक अ बाइट ऑफ अमेरिकन क्लासिक। इसके अंदर मैंने स्पेशल जो है अमेरिकन क्लासिक के अंदर कैरमलाइज अनियन की टॉपिंग करवाई है, तो लेट्स टेक अ बाइट। वो जबरदस्त टेस्ट आया मुझे, और कैरमलाइज अनियन जो है उसका फ्लेवर डोमिनेट कर रहा है। क्लासिक अमेरिकन बर्गर बेस्ट है भी माशाल्लाह, और जब अमूमन जो हम बर्गर खाते हैं मार्केट के अंदर बीफ पैटी के साथ, तो सबसे जो ज़्यादा इशू आता है वो होता है उसके मीट की कुकिंग का होता है, कहीं उसको अंडर कुक कर दिया जाता है, कहीं उसको एक्स्ट्रा कुक कर दिया जाता है, जिससे उसके जो जूसेज हैं वो उसके वेपोरेट हो जाते हैं ओवर कुक होने से। अगर अंडर कुक रह जाए तो थोड़ा सा उसके जो टेस्ट है वो भी थोड़ा सा अंडर कुक का एक बाइक उसकी आती है फीलिंग उसकी। तो बहुत ज़बरदस्त थी माशाल्लाह इनका ये अमेरिकन क्लासिक, इज अ ट्रू अमेरिकन क्लासिक बर्गर। मैं इसको 10 out of 10 दूंगा इनके इस बर्गर के लिए। तो अब हम आ जाते हैं इनका जो बैकन बर्गर है, इनका बैकन का मेरा ये सवाल था कि इनसे पूछ रहा था बैकन्स लोकल भी अवेलेबल होते हैं। Do you think imported things? Because we maintain our quality, don't go overboard on quality. उसके अंदर सप्लाई चेन का इशू होना, ये चीज आपने ध्यान में रखी है। Yes sir. Yes sir. हमारा आ गया बीफ बैकन बर्गर। बीफ बैकन बर्गर जो है वो डबल पैटी के साथ है, इसलिए डबल बीफ पैटी यूज की गई है, और प्लस इसके अंदर जो है वो क्लासिक चीज सॉस है, बीफ बैकन है, सिग्नेचर सॉस है, और कॉर्न मील बन है। ये डबल पैटी बर्गर है, और आई थिंक इसका जो मुझे इसका पोर्शन साइज लग रहा है वो भी मुझे परफेक्ट लग रहा है, कि परफेक्ट मील पोर्शन है, कि आप एक बर्गर अगर आपने लिया तो आपको कोई और चीज़ साथ देने की जरूरत नहीं है। अब इनका हम टेस्ट भी इसका करते हैं, प्रेजेंट्स इसकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़बरदस्त मुझे लग रही है, सॉस एंड चीज कम्बिनेशन है, और बैकन्स बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना ये
अपीलिंग जो है वो अपीयरेंस है इसकी। लेट्स टेक अ बाइट ऑफ दिस बैकन चीज़बर्गर्स। बैकन बर्गर के अंदर जो सबसे जो फ्लेवर का पार्ट जैसे मैंने लिया है, जो सबसे डोमिनेट किया जिस फ्लेवर ने, वो किया बैकन का फ्लेवर। परफेक्टली ग्रिल था और उसका जो एक अपना स्मोकी और उसका जो फ्लेवर है वो मुझे आया तभी बैकन का बहुत ही ज़्यादा। और साथ बीच पैटी वो माशाल्लाह इतनी मैंने टेस्ट किया उसमें भी, अमेरिकन क्लासिक में भी एक्सेलेंट प्रोडक्ट। अभी हमने इनके एपिटाइजर के अंदर साइड के अंदर चिकन स्ट्रिप्स इनकी जो है वो ऑर्डर किए हैं, जिसके साथ के हनी मस्टर्ड सॉस जो है वो ये सर्व करते हैं। हनी मस्टर्ड का कलर बहुत ज़बरदस्त लग रहा है मुझे। इसके साथ मैंने एक पवेलियन स्पेशल सॉस भी मंगवाई है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि पवेलियन स्पेशल जो सॉस है उसको भी हम टेस्ट करें। तो ये पवेलियन स्पेशल सॉस है इनकी, क्योंकि इनके डिफरेंट बर्गर्स में भी यूज़ होती है, और ये इनकी हनी मस्टर्ड सॉस है जो कि स्ट्रिप के साथ सर्व करें। ये इनकी चिकन स्ट्रिप्स हैं, और चिकन स्ट्रिप्स लगता है ये पूरा फिलेट फ्राई करते हैं और उसके बाद कट कर रहे हैं उस पर, राइट सर। और उसको भी हम देखते हैं जी, उसको पहले हम देखते हैं पनीर मस्टर्ड के साथ। बहुत परफेक्ट टेस्ट है, और जो डिप का टेस्ट एक हनी और मस्टर्ड का फ्लेवर के साथ आना चाहिए, क्योंकि स्ट्रिप मज़ा ही जो वो हनी मस्टर्ड के साथ करती है, उसको बहुत ज़बरदस्त। इन्होंने सॉस और उसके साथ कम्बिनेशन ब्रेडिंग बहुत अच्छी, ब्रेडिंग कोई ऐसा हार्ड नहीं है, कल ज़्यादा हार्ड नहीं है। सवेरे की रात पर आपके ये कोई भी हम इम्पोर्टेड ब्रांड का होल्डिंग सर्व नहीं करते, जब से पाकिस्तानी ब्रांड नेक्स्ट वाला। अब हम इनकी पवेलियन स्पेशल जो है उसको ट्राई करेंगे अपनी स्ट्रिप के साथ। बहुत आला, दोनों का एक आइडेंटिकल डिफरेंस है, हनी मस्टर्ड का भी और ब्रेडिंग का। ये थोड़ी सी टैंगी फ्लेवर दे रही है, तो थोड़ा सा माइल्ड हनी और मस्टर्ड से थोड़ा सा माइल्ड फ्लेवर दे रही है। इसका नाम है अरबोला, अरबोला बर्गर शेफ साहब। अरबोला इसका नाम इस वजह से आपने रखा, अरबोला किसे कहते हैं, तो इसके अंदर भी जो सॉस है जो हमने यूज़ की है वो भी पवेलियन सॉस ही है, स्पेशल मोस्टली बर्गर के अंदर वही है। और इसके अंदर चिकन की पैटी है, इसको थोड़ा तोड़ के भी देखना चाहूँगा, बैटर फ्राइड पैटी है, बैटर डिप फ्राइड पैटी लग रही है, एलोपिनोस और साथ जो है वो पवेलियन स्पेशल सॉस का कम्बिनेशन है, और ये साथ एरोगोला एरोगोला लीव जिसे रॉकेट लीव भी बोलते हैं उसके साथ स्टफिंग की गई है और मिलियन बन के अंदर। तो इस पर हम लेते हैं एक बाइट। तो अभी तक जो मैंने तीनों बर्गर टेस्ट किए हैं उसके अंदर जो मुझे चीज़ अच्छी लग रही है कि हर जो बर्गर है उसका जो फ्लेवर उसका आइडेंटिकल डिफरेंस डिफ्रेंशिएट कर रहा है। बैकन में बैकन का फ्लेवर, क्लासिक के अंदर क्लासिक बीफ का फ्लेवर, और रॉकेट लीफ के साथ रॉकेट लीफ का फ्लेवर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि मैं एक ही चीज़ जो है ना वो ट्राई कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। इनकी जो प्राइस है मेन्यू की वो भी बहुत मुनासिब है एज़ कम्पेयर टू मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट है उनके लिए। अब ये बर्गर हमारा आ गया जी इनका पॉट नेशविल। पॉट नेशविल जो है ये स्पाइसी होना चाहिए, नेशविल बर्गर नेशविल फ्लेवर जो है ये बहुत ही फेमस है स्पेशली सदर्न अमेरिका के अंदर जो है ना ये फ्लेवर बहुत लाइक किया जाता है। और बेसिकली नेशविल जो है ये हॉट सॉस का इससे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लाइक जैसे कि हम हॉट सॉस टबेस्को की बात करें। तो लेट्स एक बाइट ऑफ दिस नेशविल बर्गर, और इसका कॉर्न मील बंस इसको डिफरेंशिएट करेगा अदर बर्गर से। उसकी हॉट पर उसकी किक नहीं आई जितनी कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, और लेकिन ये बैलेंस फ्लेवर है इसके अंदर डिफरेंशिएट करता है उसको। तो अब हम चलते हैं अपने फाइनल बर्गर की तरफ जो कि हमारा है पेस्टो। तो अब हम आगे ये देखें कि पेस्टो बर्गर में हमारा पेस्टो बर्गर में भी चिकन पैटी का यूज़ किया गया है। पेस्टो बर्गर में चिकन बैटर पैटी है, पोटैटो बन, यस पोटैटो बन है। बहुत आराम पेस्टो सॉस का जो ऑथेंटिक फ्लेवर है वो मुझे उसके अंदर फील हुआ उसके अंदर। तमाम बर्गर मुझे आज इनके बहुत अच्छे लगे, कोई भी बर्गर ऐसा नहीं था कि जिसको मैं कहूँगी जिसकी रेटिंग जो है वो कम थी। तमाम बर्गर जो होते हैं वो अप टू द मार्क थे अकॉर्डिंग टू द मेन्यू के अंदर जो इन्होंने उसको कंपोजिशन लिखी है उसके मुताबिक थे। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है इनकी तमाम बर्गर की,
ओशन साइज बहुत अच्छा है, प्राइस पॉइंट बहुत अच्छा है। मैं इनके बर्गर्स की एक्सक्लूसिव से कंपेयर नहीं करूँगा क्योंकि इनका कंपेरिजन ही कोई नहीं है इसके अंदर। पेस्को का, रेक्मे क्लासिक का, अपनी अपनी कैटेगरी के अंदर तमाम बर्गर्स जो है वो मैं समझता हूँ कि वो खाने के लायक हैं। यू मस्ट ट्राई, विजिट करें बर्गर पवेलियन को फेस BHA के अंदर। इंशाल्लाह आपको अपने नेक्स्ट हम वीलॉग में पोर्टल में दोबारा मुलाकात करेंगे। थैंक यू शेफ साहब।